नमस्कार सभी को, मैं हूं नेहा। स्वागत है आपका नेहा एडुकेटर चैनल में। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डीट प्रिपेयर में जो वैकेंसी निकली हुई है लाइब्रेरियन की, तो उसके रिगार्डिंग आपके काफ़ी सारे ऐसे क्वेरीज़ या फिर आपके डाउट्स आ रहे हैं किसके लिए पर्टिकुलर कौन सा सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो किस तरीके से होगा। आपका जो सब्जेक्ट कंसर्न के बारे में जो बात की गई है सेक्शन बी में, वही वे पोस्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। MCQ आपके 100 क्वेश्चन MCQ आएंगे, तो आपके वो किस तरीके से आप उसको प्रिपेयर करें, टॉपिक वाइज कैसे कवर करें। तो इसके रिगार्डिंग आपको एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, आप कितनी भी जितने भी वैकेंसीज अभी तक आई हैं डीट पेसमी में, आपने देखा होगा कि सेक्शन ए का जो सिलेबस रहता है तो वो आपको गिवन रहता है कि भाई पांच जो उसके सेक्शन हो गए, पांच सेक्शन हो सकते हैं जिसमें हिंदी होगा, इंग्लिश होगा एंड जनरल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, आपकी जो मैथ्स है वो सभी कुछ उसमें गिवन होता है। और उसका सिलेबस भी आपको बताया जाता है जो कि आपका सभी वैकेंसीज के लिए जितनी भी निकलती है उसमें सेम रहता है, बस वेरी करता है आपके जो पोस्ट होती है उसके अकॉर्डिंग भाई किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे किस लेवल के। अब जो सेक्शन बी रहता है वो ये हमें जानना है जो उसमें बताया जाता है कि जो भी आपकी क्वालिफिकेशन उस पोस्ट के इक्विवेलेंट है उसके अकॉर्डिंग आपके जो 100 MCQs होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे वो पूछे जाते हैं। तो आप जो भी वैकेंसी अब तक निकली है आप उसमें देख सकते हैं कि किसी का भी जो सेक्शन बी का होता है आपको सिलेबस नहीं मिलता है। तो इसमें मैं आपको एक जो कह सकती हूँ एक एग्जांपल देना चाहती हूँ या फिर आपको अल्टरनेटिव मिल जाएगा जिससे कि आपको पता लग पाएगा कि ऐसे अगर जिस लेवल की एग्ज़ाम है आपकी लाइब्रेरियन की उसके अकॉर्डिंग आपके किन किन टॉपिक्स में से क्वेश्चंस आते हैं। आपने जैसे आपकी क्वालिफिकेशन, आपने डिग्री जो ले रखी है इसमें बैचलर्स इन लाइब्रेरी साइंस, तो आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि आपने जो अपनी डिग्री की है तो उसमें आपने क्या क्या पढ़ा था, पर्टिकुलर कौन से टॉपिक आपने कवर किए थे, आपकी जितना भी जो आपकी सेशन रहा था ड्यूरेशन रही थी आपकी पूरे डिग्री की, तो उसमें जितने भी टॉपिक्स के वो सारे टॉपिक्स हैं जो आपके इस एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो अगर आपको आइडिया लेना है कि पर्टिकुलर कौन कौन से टॉपिक हम कवर करें तो उसके लिए आपकी जो एक एग्ज़ाम है तो जो कि सेकंड ग्रेड की है RPSC की, तो उन्होंने एक सिलेबस दे रखा है तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना आइडिया लगा सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि भाई ये टॉपिक मुझे कवर करना है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, तो वो सिलेबस आपको काफ़ी हेल्प करेगा इस आपके डीट पेसमी लाइब्रेरियन का जो पूरा सिलेबस है कवर करने में। तो चलिए देखते हैं, उसके लिए आप अगर डाउनलोड करना चाहते हैं उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। बाकी के जो इम्पॉर्टेंट्स जो भी मैंने PDF अवेलेबल मेरे पास है वो मैंने अपलोड कर दी है मेरे टेलीग्राम चैनल पे, तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं सिलेबस जो कि इसके इक्वलेंट है। तो ये उस एग्ज़ाम का सिलेबस है जो कि लाइब्रेरियन की है, सेकंड ग्रेड की है। तो उसके हम बात करें, कंपेयर करें, तो आपके इस डीट रिपेसवी में जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है उसके इक्वलेंट ही है। तो जैसे कि हम बात करें लाइब्रेरी साइंस, तो चाहे कहीं भी किसी भी जगह जाओ तो लाइब्रेरी साइंस तो सेम ही रहेगी पूरे वर्ल्ड में। आपको पता है कि सारे पूरे वर्ल्ड में जिन भी लोगों ने लाइब्रेरी साइंस के बारे में अपने जो थ्योरीज दी है वो सभी आपको पढ़नी होती है एंड सभी के आइडियाज़ अलग अलग हैं, सभी जगह लाइब्रेरी चलती है। उसके अकॉर्डिंग आपका जो सिलेबस इसमें जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर करें। जैसे हम बात करें ये जो सभी ऑलमोस्ट सिलेबस है वो आपके थर्ड ग्रेड लाइब्रेरी में भी आता है और सेकंड ग्रेड में भी आता है, तो वो सभी चीज़ें सेम है, लेकिन आपको पर्टिकुलर टॉपिक में हर चीज़ कवर किस तरीके से करनी है इसके लिए मैंने फ्री बुक्स के बारे में भी मैं आपको प्रीवियस वीडियोस के बारे में बता चुकी हूँ जिसमें आप फ्री कंटेंट आपको एकदम ऑथेंटिक अवेलेबल है जिससे भी आपको हेल्प मिलेगी। और ये सारे जो टॉपिक हैं वो आप देखेंगे कि आपने जो अपनी बैचलर की डिग्री कंप्लीट की होगी तो उसमें भी आपको ये सारे टॉपिक्स मिले होंगे, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई जो मेरी क्वालिफिकेशन है और इस पोस्ट के लिए जो दी गई है क्वालिफिकेशन उसके अकॉर्डिंग ही ये सारा सिलेबस है। बाकी सिलेबस को पढ़ने के बाद आपको कोई भी डाउट रहता है या फिर कोई भी क्वेरी रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता ही सकते हैं। जैसे हम कोई भी पर्टिकुलर जैसे पार्ट ए क्या इसमें यूनिट फर्स्ट जो दी गई है उसमें हम देख रहे हैं, जैसे इसमें लिखा गया है कि लाइब्रेरी सोशल इंस्टीट्यूशन, डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज इन इंडिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज, पब्लिक एकेडमिक एंड स्पेशल, नेशनल लाइब्रेरीज इंडिया, फाइव लॉज ऑफ लाइब्रेरी। फाइव लॉज ऑफ लाइब्रेरी तो बहुत बेसिक है जो कि अगर आपने जिस टाइम एडमिशन लिया होगा उसी टाइम से आपको पता चलने लग गया होगा कि फाइव लॉज ऑफ लाइब्रेरी किसने दी है, किससे रिलेटेड है। तो डॉक्टर SR रंगनाथन भी आपको काफ़ी कुछ आप उनसे जो है
पता होगा कि कौन है, क्या है, इन्होंने क्या क्या चीज़ें अपने जो है इंडियन लाइब्रेरी साइंस में दी है इन्होंने। तो ये सभी चीज़ें आपके यूनिट फर्स्ट में इन्होंने पूरा डिटेल में सिलेबस बता रखा है यूनिट करके। तो इससे कि आपको एक आइडिया ये लग सकता है कि आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही ये पूरा सिलेबस जो है डिज़ाइंड है। तो आप, वैसे तो मैंने बता ही दिया है कि आपको जो पूरी BLIS की बुक आप पढ़ सकते हैं, जो कि VMOE पे उपलब्ध है आपके पास, और आपके जो कह सकते हैं कि इग्नू की आप जो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर भी आपको इससे रिलेटेड मटेरियल मिल जाएगा। बाकी और इससे रिलेटेड जो वीडियोस हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो आपको इस चैनल पर ज़रूर मिलने वाले हैं। और चैनल पर काफ़ी सारे जो आपके ऑथेंटिक सोर्सेज से मैंने काफ़ी सारे मॉक टेस्ट भी बना रखे हैं, वो भी आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे अगर आप विजिट करेंगे तो। और यहाँ पर जो आई बटन है, यहाँ पर मेरे जो प्रीवियस वीडियोज़ इस वैकेंसी के रिगार्डिंग बनाए हैं, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी किस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हैं आपके सेक्शन ए के लिए एंड सेक्शन बी के लिए, तो वो भी आपका पूरा कवर हो जाएगा। तो इसका PDF जो है, ये जो मैंने सिलेबस आपको बताया है, वो आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है मैंने लिंक दे दिया है। तो ये इसमें 5 पूरी यूनिट दी गई है, जिसमें पूरा आपका ये सिलेबस कवर किया गया है। और आपको ध्यान रखना है कि आपको जो ये तो लाइब्रेरी साइंस तो आएगी ही, प्लस आपको ध्यान रखना है कि कंप्यूटर से रिलेटेड भी क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, क्योंकि आपकी क्वालिफिकेशन में मैंशनड है। अब हम सीधा चलते हैं कि आपके जो नोटिफिकेशन आया था उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखनी है, जो कि उसमें गिवन है। ये मैंने ऑलमोस्ट आपको ओवरव्यू दे दिया है, ये पूरा आपका सिलेबस है, तो डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। तो जो मैंने ओवरव्यू दिया उसको पूरा आप करने के लिए, ये आप सेक्शन बी का जो लिखा हुआ है यहाँ पर पूरे नोटिफिकेशन में, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपका सेक्शन बी होगा, उसमें क्या आएगा, पोस्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस, जो कि आपकी पोस्ट स्पेसिफिक आपको दिया गया है कि आपको बैचलर्स इन लाइब्रेरी साइंस जो कुछ होना चाहिए वो आपको पोस्ट स्पेसिफिक है। तो उसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे इसमें, और आपके जो सब्जेक्ट कंसर्न है वो एज़ पर द क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड इन द रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द पोस्ट। तो जो भी आपकी क्वालिफिकेशन इसमें दी गई है उसके अकॉर्डिंग मैंने वो सिलेबस आपको बताया है, जिससे कि आपको तैयारी करने में काफ़ी आसानी होगी। एंड नेक्स्ट वीडियोस जो है आपको इस वीडियो चैनल पर मिलने वाले हैं ही। अब सीधा हम देखते हैं कि यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन भी आप एक बार आप जो है फिर से देख लीजिए। तो यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपको दी गई है, तो आप देख सकते हैं कि आपको बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट और इक्विवेलेंट। नेक्स्ट, आपका एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर्स इन लाइब्रेरी, या फिर कंप्यूटराइजेशन ऑफ लाइब्रेरी, या फिर आपके पास 1 ईयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में। ध्यान रखिए 1 ईयर इसमें मिनिमम मांगा गया है। तो ये आपका पूरा कवर हो गया, इसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया है। अब आप देखिए कि आपका जो सेक्शन ए है उसके लिए आप किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे, उसके लिए बाकायदा मैंने वीडियो बना रखा है। हर तरीके से मैंने आपको स्पेसिफाई करके बताया है कि किस किस तरीके से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि मैंने अभी तक, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जितने भी आपके ऑनलाइन एग्जाम हुई है डेटाबेस भी द्वारा, वो सभी पेपर आपको अवेलेबल कराए जाएँ, जिससे कि आपको हेल्प मिल सके सेक्शन ए में, ताकि कोई भी ऐसा क्वेश्चन या फिर आपके जो सब्जेक्ट में सिलेबस है वो कोई भी छूट ना पाए। तो उसके लिए मैंने आई बटन पर आपको वीडियो मिल जाएगा, तब देख पाएंगे। तो एक बार मैं और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं क्लियर कर देती हूँ, जो कि मुझे रिसेंटली पूछी गई है। तो देखिए, ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ये जो आपका सिलेबस है सेक्शन ए का, आप देखेंगे कि सभी में कॉमन है। जितने भी आपके पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी, चाहे आपके पहले जो आपकी PRT की निकली थी, आपकी NTT की निकली थी, उसके बाद आपकी हम बात करें जो आपकी PGT की है, TGT की है, सभी में ये वाला जो सेक्शन है वो कॉमन है। बस वेरी करता है कि किस तरह का आपका एग्ज़ाम है, कौन से लेवल का एग्ज़ाम है, उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आस्क किए जाते हैं आपके। और इसमें हम, मैं बात करूं कि आपके हिंदी लैंग्वेज की बात की गई है, ना कि आपके जो इसमें आपका सिलेबस गिवन है यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज की बात नहीं की गई है। तो हिंदी में भी आपके किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ कुछ स्पेशल क्वेश्चन जो आपके डेटाबेस में आस्क किए जाते हैं हर बार, तो उनका भी ध्यान रखें। अब हम बात करें एग्जाम पैटर्न की, तो इनमें आपको काफ़ी जो है थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, क्योंकि मैं बात बता दूं आपको, जो ऑनलाइन एग्जाम आपको होगा इसमें वो इस तरह से होता है कि आपको टाइम तो आपको 2 घंटे दिए जाएंगे, वो आपको मेंटेन करना होगा कि आप कितना टाइम पर्टिकुलर इसमें देते हैं। जैसे मैं अपनी बात करूँ, जैसे मैं 10 मिनट
किसी रीजनिंग में लगाती हूँ या फिर मुझे 2 मिनट लगते हैं हिंदी में, इंग्लिश में मुझे 5 मिनट लगते हैं, तो आप अपने ऊपर ये चीज़ अप्लाई करेंगे कि मुझे कितनी जल्दी कौन सा वाला जो आपका है कवर करना है। जैसे आपके सबसे पहले आपके जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आएंगे, तो ये आपके 20 क्वेश्चन आ गए। अब आपको ध्यान रखना है कि ये 20 क्वेश्चन ही आपको सबसे पहले करने होंगे, इनको आप सबमिट कर दोगे, उसके बाद ही आप नेक्स्ट जो आपका कोई भी जो आएगा, जैसे आपके रीजनिंग आ गई तो उस पर आप जा पाएंगे। ऐसे आप सीधा यहाँ पर हैं, आप चाहते हैं कि मैं सीधा लाइब्रेरी साइंस के क्वेश्चन कर लूँ, तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। आपके 2020 के सेट्स में पूरा पेपर आएगा, उनको आप धीरे धीरे 2020 करके सबमिट करके फिर आप एंड तक पहुँच पाएंगे। और जो आपका सेक्शन बी का जो 100 मार्क्स का जो आपका पेपर होगा, वो भी आपको 100 क्वेश्चन जो आपके सीधे नहीं देख पाएंगे आप। आपको ध्यान रखना है कि ये भी आपके 2020 के सेट में आएंगे, तो इसका ध्यान रखें, तो इसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करें, क्योंकि कई बार काफ़ी ऐसे जो भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने ये भी बताया है कि हमने जो लास्ट के जो सेक्शन बी है उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन जो लास्ट के 20 क्वेश्चन है वो हम देख नहीं पाते हैं, तो इस तरीके से प्रिपेयर करें ताकि आप जो पूरा जो है अपना कंप्लीट कर पाएँ 2020 के सेट में। पहले सबमिट करें फिर नेक्स्ट पे आप जा पाएंगे, तो ये बात आप ध्यान रखिए। बस टाइम इसमें ये नहीं होगा कि आपको पहले में 10 मिनट मिलेंगे फिर 10 मिनट मिलेंगे, ऐसा नहीं है, वो अपने अकॉर्डिंग आपको सेट करना होगा। चाहेंगे तो आप पहले में भी 2 घंटे ख़राब कर सकते हैं, बाकी में जाया नहीं जाए। तो ये बात मैंने क्लियर कर दी है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझे टाइम और उसके सेक्शन वाइज क्वेश्चन पूछा था कि ऐसा कुछ है क्या, तो मैंने क्लियर कर दिया है। बाकी आपका सेक्शन बी के अकॉर्डिंग क्या सिलेबस रह सकता है, आपके जो क्वालिफिकेशन के इक्विवेलेंट मैंने बता दिया है, तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। बाकी आपने जो डिग्री कंप्लीट की है तो उसे आप मैच कर पाएंगे, तो ऑलमोस्ट आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से मैंने आपको सिलेबस जो है वो बताया है। और चैनल पर आपको काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे जो कि ऑथेंटिक सोर्सेज से बनाए हुए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। आपको आई बटन पर क्लिक करना है और पर्टिकुलर वीडियो आपको मिल जाएगी। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और भी काफ़ी सारे अपडेट आपको लाइब्रेरी साइंस इस चैनल पर मिलती रहेंगी और काफ़ी सारी हेल्प भी इस चैनल द्वारा आपको एग्ज़ाम तक करवाई जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऐसे बने रहिए बाकी वीडियो के लिए। स्टे ट्यून्ड।